सर्व ब्राह्मण संगठन द्वारा गंगा पैलेस श्रीनगर मुरैना में भगवान परशुराम जयंती के चल समारोह के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डीडी मिश्रा, संभागीय अध्यक्ष हरीश पाठक, संभागीय महामंत्री रमाकांत शुक्ला, मनोज उपाध्याय एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपाध्याय डीडी समाचार से जिला मुरैना से आज हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज की आज एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शर्मा जी से अपन बात करेंगे। शर्मा जी, आज की सभा का क्या उद्देश्य है और ये किस लिए बनाई? ये मुरैना के सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। ये बैठक में आगामी 7 मई को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भव्य जल समारोह के रूप में मनाए जाने के संबंध में, उसकी तैयारियों के संबंध में इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें मुरैना के सभी विप्रबंधु उपस्थित थे। हमारे बीच में सबलगढ़ तक के हमारे साथी संजय पकड़ जी भी इस बैठक में उपस्थित थे। सभी ने यह तय किया कि प्रशासन से कल सोमवार को मिलकर उनसे अनुमति के बारे में चर्चा की जाए कि किस तारीख को अनुमति मिलेगी। उस तारीख को मुरैना का ब्राह्मण समाज एक जल समारोह निकालने पर विचार करें। एक जल समारोह के लिए एक सभा का आयोजन किया गया है कि जल समारोह किस तरीके से और किस दिनांक को निकाला जाए। जी बिल्कुल, उसी तैयारी के लिए सबलगढ़ से अपने संजय पक्कड़ जी भी समारोह सवाल उपस्थित हुए। जी, आगे हम पक्कड़ जी से बात करते हैं। संजय पक्कड़ जी से जो एक समाज सेवी भी है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी। पक्कड़ जी, अपने समाज के लिए इस सभा में आप आए तो जो अपना परशुराम जल समारोह निकाला जाएगा उस पर क्या विचार हुआ, क्या व्यवस्था? ब्राह्मण समाज जो परशुराम जयंती चल समारोह का आयोजन करने जा रहा है, जगत सैकड़ों वर्षों से आयोजित होते रहने वाला एक चल समारोह है अपने आराध्य देव की सेवा पूजा अर्चना के लिए। इस साल चल समारोह को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए शांति चूंकि चुनाव का वो है, आचार संहिता का समय है, इसका गरिमामय तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चल समारोह का आयोजन हो और एक संदेश सब जातियों के कल्याण के लिए हम लोग दे सकें, ऐसा इस मीटिंग में विचार मंथन किया गया। समाज के सभी वरिष्ठ पूरे जिले के नेतागण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोगों की उपस्थिति में आज ये निर्णय हुआ कि कमेटी का गठन करके इस आगामी रूपरेखा को और ज्यादा इस विस्तार से व्यवस्थित किया जाए। आज हम बात करेंगे चंबल भगवान परशुराम जी के चल समारोह के आयोजन के लिए इस बैठक में महत्वपूर्ण बात यह है कि चल समारोह को निकालने के लिए छोटी छोटी जो समितियां हैं, कार्य समितियां हैं, उन सबका गठन किया जा रहा है और प्रचार प्रसार के माध्यम से एकता को करते हुए ये जन समारोह वर्षों की भांति इस साल में नमस्कार।